close till I get up. Time is barely on our side. Hello guys, welcome to my channel, my life, my blog. आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पटना में बन रहे नए बस स्टैंड। इस बस स्टैंड को बनने के बाद पटना की सूरत ही बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर दूर के लिए बस और एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए बस सर्विसेज चालू हो जाएंगे। तो बने रहें इस वीडियो में आगे देखने के लिए। इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह अभी जो बस स्टैंड फ़िलहाल अभी मीठापुर में है वो पीछे मेरे बस स्टैंड है। यहाँ रुकने का मेन रीज़न यही है कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इस बस स्टैंड को यहाँ होने से कितनी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। शहर का जाम का व्यवस्था काफ़ी हद तक चरमरा सा जाता है। बस की इतनी सारी संख्या होने के बाद एक जगह काफ़ी छोटा है और इसमें एक बस काफ़ी संख्या में बस है, क्योंकि बस हर ज़िले से पटना को जोड़ने के लिए बस सर्विसेज मिल जाती हैं। तो मेरे हिसाब से ये बस स्टैंड जब यहाँ से बैरिया चली जाएगी तो शहर का एक शांति माहौल कह सकते हैं और जाम की स्थिति काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। इससे पहले ये बस स्टैंड और हमारे शहर के अंदर हुआ करता था, जो हार्डिंग पार्क रोड स्टेशन के पास पड़ता था। हार्डिंग पार्क से बस स्टैंड को हटाकर ये मीठापुर में शिफ्टेड किया गया था कई साल पहले। अब यहाँ से हटा के इसे नए वाले बस स्टैंड बैरिया में शिफ्ट किया जा रहा है। चलिए फिर यहाँ से चलते हैं नए वाले बस स्टैंड जो बैरिया में नया बन रहा है उसके बारे में आपको विशेष बताता हूँ मैं। और ये बस स्टैंड तो अब कुछ ही दिन के लिए यहाँ पे है, साल के लास्ट तक मुझे लगता है कि यहाँ से ये सब ख़त्म हो जाएगा और नए वाले बस स्टैंड में ये सब शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए फिर नए वाले बस स्टैंड देखते हैं। हेलो गाइज, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नए वाले बस स्टैंड पे। ये बस स्टैंड तो ऐसा लग रहा है कोई बहुत विशाल मल्टीप्लेक्स बनने वाला है, बहुत सारी खूबियों से लैस। और विशेष जानकारी मैं आपको फिर आगे देता हूँ इस वीडियो में, आप वीडियो में बने रहें। कितना अच्छा बस स्टैंड बन रहा है आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नए वाले बस स्टैंड में। तो इस बस स्टैंड के बारे में कुछ विशेष बातें मैं बताता हूं। यह पटना का नया बस स्टैंड है जिसे शॉर्ट फॉर्म में सब ISBT कहते हैं। ISBT का मतलब है इंटर स्टेट बस टर्मिनस। इसका मतलब हुआ कि यहां से किसी भी राज्य के लिए बस आपको मिलेगी। और कुछ मुझे ऐसा सुनने में आया है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, नेपाल, बांग्लादेश और हमारे कुछ भूटान के लिए भी यहाँ से बसें मिलेंगी। सिर्फ एक बस स्टैंड ही नहीं होगा, यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं मिलने वाली हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट होगा, मल्टीप्लेक्स होंगे, मॉल होंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होंगे, ऑफिसेस होंगे और बहुत सुविधाएं हैं जो यहाँ से यात्रियों को मिलेगी। इसीलिए इसे सिर्फ एक बस स्टैंड कहना सही नहीं होगा। एक आधुनिक लैस से जो यात्री यहाँ से सफ़र करेंगे तो उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी और उनके लिए एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि बस स्टैंड पे आज तक जो सर्विसेज यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है सिर्फ अभी फ़िलहाल एयरपोर्ट, स्टेशन और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स में ही मिलते हैं। तो लोगों को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, बस स्टैंड की नज़रिया ही बदल जाएंगे। इसको पूरे बिहार के लोगों को और लगभग देश के लोगों को इंतज़ार है, जल्दी से जल्दी ये बस स्टैंड चालू हो जाए। लगभग देरी तो हो रही है, पर ये साल के लास्ट तक ऐसा लगता है कि यह चालू हो जाएगी। वीडियो में आप देखिए, मैं आपको कुछ बहुत चीज़ें जूम करके दिखाता हूँ।
यहाँ वाला बस स्टैंड लगभग 26 एकड़ में बनकर तैयार हो रहा है। इसकी बनने में जो लागत आई है वो 302.34 करोड़ रुपए आए हैं। और यहाँ की बस की क्षमता अगर कही जाए तो लगभग रोज़ाना 3000 बसेस की क्षमता रहेगी, और मॉल, रेस्टोरेंट और सब चीज़ आपको यहाँ सुविधा मिलेगा। बात बताना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी लेट हो रहा है इस बार, इसीलिए मैं देख रहा हूँ चारों ओर काम बहुत जल्दी से खींचा जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे गेट, जैसे कि यहाँ मेन गेट बनने वाला है, तो काम इस साल के अंत तक इसे कैसे भी इसे चालू करना है, क्योंकि ये शायद दिसंबर 2019 का ही प्रोजेक्ट था चालू करने के लिए। तो बहुत उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम लोगों को यह मिलेगा। अब फिलहाल हम चलते हैं। इस वीडियो में आपको कैसा लगा और आप कमेंट करके बताइएगा, और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं किसी और ब्लॉग में।